की थी मैंने, गलत आपके पास आपकी मीटिंग करवाता हूँ मैं मोबाइल पे, अब लगता है रात को 9 बजे करीब। नहीं तो उनसे एक काम ये करो ना, ऐसा स्केड्यूल करने की बजाय आप पहले से प्लान कर लो, ठीक है ना। और उसमें जानते कैसे करूँ मैं आपको बताऊँ, उसमें अपन जो है ना वीडियो लिंक के माध्यम से उनसे बात करेंगे, ठीक है ना जी। तो वो जो है आप अपने उसको कर सकते हैं, या किसान अपने उसके थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं, जैसा भी आपको लगता है। और यदि आप उसको जो है कहीं पे टेलीविजन से लिंक कर सकते हैं, क्योंकि आजकल चीजें खास की जा सकती है टेलीविजन से, ठीक है ना। तो आप वो भी देख लो, उसके एग्जामिन कर लो, और उससे क्या रहेगा कि इंटरेक्शन बहुत रियल होगा, और वो जो है बात करने वाले की सिर्फ आवाज नहीं सुनेंगे बल्कि उसे देख भी पाएंगे, समझ भी पाएंगे जी, ठीक है ना। तो इस तरीके की जो वो है, आप तो पहले से स्केड्यूल किया था, प्लान करा दिया था, ठीक है ना। और मुझसे पहले से पूछ लिया करो कि साहब इतने बजे के लगभग जो है ना आपके पास समय होगा, तो पहले उनसे गप मार लिया, जो समय हम देंगे उसमें हमसे कनेक्ट करो जी सर, है ना। तो उससे क्या रहेगा कि देखो अभी प्रॉब्लम ये है कि हमारे पैर में बीमारी फटी हुई है, ठीक है ना जी। और आप भली भली बातें करेंगे तो सामने वाले को कुछ बात तो आएगी नहीं जी, क्योंकि उसके एक्सपीरियंस बहुत नेगेटिव जी। अभी तक उसको एक्सप्लाइट किया गया है, राइट, सभी ने उसको धोखा दिया है, राइट जी। तो उससे ये अपेक्षा करना कि उसको सदा सडनली विश्वास होगा, ये सोचना बहुत मूर्खतापूर्ण काम होगा जी सर। हमें कई बार मिलना पड़ेगा, अपनी बात को बार बार कहना पड़ेगा, उनको आपस में संगोष्ठी करने के लिए कहना होगा, उनसे कहें कि तुम लोगों के क्या कंसर्न है, जरा उस पर डिबेट करो आपस में पहले, राइट। और फिर जो उन कंसर्न के बारे में जो क्लेरिफिकेशन है वो डीजी साहब से लो जी सर। जी सर, तो उससे क्या होगा ना कि वो मंथन होगा और हमें उनके कंसर्न मालूम पड़ेंगे, राइट जी जी। क्योंकि सॉल्यूशन कौन डिजाइन कर रहा है, मैं डिजाइन कर रहा हूँ, तो उनके कंसर्न को हम अपने सॉल्यूशन में हिस्सा बना लेंगे जी सर। क्लियर जी। तो मेरा बस यही सोचना था कि हमें थोड़ा सा धैर्य से काम करना पड़ेगा, नंबर वन। नंबर टू, हमें बहुत फुल एनर्जी से काम करना पड़ेगा, नंबर टू। नंबर थ्री जो है हमें लोगों को नॉमिनेट करना भी चालू कर देना, ठीक है ना जी सर। तो चाहे किसी को जो है ना आप जिले का प्रभारी बनाओ, ब्लॉक का प्रभारी बनाओ, गांव का प्रभारी बनाओ, उसको जो है ना 3-4-5 पोस्ट का नाम सोच लो, गांव में भी 3-4 लोगों को अलग अलग प्रभार टाइप का देने की बात सोच सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि एक ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस क्रिएट होगा, राइट। जो है आपका सर, मैंने कल प्लान बनाया था उनके लिए मीटिंग के लिए, 4-5 गांव गया था, दिन भर में विजिट किया। हमारे जिला वाले मऊ गांव पड़ता है, जमात विक्रमपुर अकबरपुर, इससे क्षेत्र किसान है, यहाँ पे काफी धान गेहूं फसल काफी अच्छी करते हैं लोग, अच्छी जमीन उनके कुछ 50-50 बीघा 60-60 बीघा वाले खटेदार भी है। दो चार मेरे मित्र भी परिचित भी थे, तो मैंने उनसे कर दिया पूरे, मैंने प्लानिंग समझाई कि ऐसे किसान आया साहब की तरह और मुक्त भारत बनाना चाह रहे हो, पहले उनको एक किसानों को दवा फसल का जो भी ऑर्गेनिक खेती जो कर रहे हैं, तो इस तरीके की आपको लाभ होगा। आपके जॉइंट वेंचर साइन करना होगा, जो भी जॉइंट वेंचर किया वो आप साथ में बात करवा दूंगा मैं, आप बात कर लेना। तो ठीक है सर, अब आप पंडित जी आप कह रहे हैं हम तैयार हैं आपके साथ काम करने के लिए, तो मैं ऐसे आप ऐसे तैयार मत होइए, मैं एक दिन आप सबको मीटिंग करके डेट फिक्स करके ग्वालियर में छोटा सा प्रोग्राम आप फिर भी मुक्त भारत के लिए की बैनर पे अपन एक काम करें। देखो हम एक काम ही करें, इन दो चीजों को अलग अलग रखें, जिस गांव में जाए उसमें कुछ लोगों को ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप की पदवी बांटे, ठीक है ना जी। मैं किसी को कहता हूँ कि वो जो है उनके वो कार्ड वार्ड तैयार करके और भेजना चालू करें, ठीक है ना जी सर। तब तक आप एक आधा अच्छे लोगों को देख लो, जैसे नेता लोग छपवाते हैं ऐसा वो देखो अपने को किफायती रेट पर हो जाए, तो वो काम भी हम यहाँ से आपके माध्यम से ही वहाँ कराने लगे, ग्वालियर ग्वालियर में देख लीजिए। सर बहुत, मैंने आपसे क्या कहा था, जो आप आदेश दोगे, आप ड्यूटी दोगे, उसमें आपके लिए पूरी भरपूर कोशिश करूंगा सर, पूरे उसको कामयाब करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा सर आपके साथ। देखो अपन क्योंकि पूरा इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं और उसके लिए उसी फील्ड के लोगों को चुन रहे हैं,
जैसे आज हम ट्रांसपोर्ट के नेशनल प्रेसिडेंट से बात करने वाले हैं, ठीक है ना जी जी। तो वो ट्रांसपोर्ट का हम फिर उसको कह रहे हैं कि आप स्टेट के प्रेसिडेंट बनाइए, ठीक है ना। जैसे ही बेयर हाउसिंग के किसी को हम बहुत जल्दी नेशनल प्रेसिडेंट घोषित करेंगे, राइट जी जी। तो जो है उसका काम रहेगा कि वो फिर स्टेट प्रेसिडेंट बनाए, और क्योंकि बेयर हाउसिंग विल बी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट, क्योंकि जब हम यहाँ से सामान भेजेंगे तो वहां का एंटीसिपेटेड लोड के हिसाब से फुल ट्रक लोड यहाँ से मूव करें, नहीं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही बहुत हो जाएगी। सही। तो वो जो जिसके पास पहुंचना है उसके पास पहुंचना है, बचा जाके बचा हुआ जो है ना किसी वेयर हाउसिंग में पहुंच जाएगा, ठीक है ना जी। और वहां से जो है ना जैसे डिमांड इसके बाद उस एरिए की डेवलप होगी तो हाँ। उसको जो है वो चीज वहीं पे मिल जाएगी उसको। जैसे अर्जुन करिए यहाँ से अपन बेंगलोर भेजते हैं या अहमदाबाद भेजते हैं कहीं पर भेजते हैं, तो एक बार जो है ना वहां पे वो माल पहुंच गया तो जो फ्यूचर डिमांड जनरेट होगी वो वहां के वेयर हाउस से मीट आउट की जाएंगे। तो वेयर हाउस वहां पे जो है ना उनका डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल होगा। इसलिए जो है जो जिस एरिया का जैसे आपको मुझे मैं चाहूंगा कि आपको मैं एक अलग से जैसे आपको जो ना वहां का प्रभारी तो बनाया हुआ है, मैं चाहूंगा कि जो ट्रंच बनाना है एक्वा कल्चर, मैं उसमें आपको एक बड़ी जिम्मेवारी देना चाहूंगा अलग से। बिल्कुल सर, आप क्योंकि जो है ना आपका जो फील्ड है, ठीक है ना। अच्छा, आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगी कि जो आप जैसे मान लो आप डैम बनाते रहे हैं, डैम में आप क्या कर रहे हो, आप मिट्टी डाल के लेयरिंग कर रहे हो, कॉम्पैक्शन कर रहे हो। यहाँ पर वैसा नहीं है, यहाँ पे आप खोद रहे हो तो आपको सिर्फ साइड का कॉम्पैक्शन करना है जी, राइट। तो आपको आप लेयरिंग नहीं कर रहे हो जी, तो आपके आपको अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। आपको अपने सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा कि हमें क्या करना चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा था कि हम जो है कंपैक्शन से काम चलाएंगे या हम जो है मिट्टी की टाइल्स बना लें, ठीक है ना जी सर। एंड मिट्टी की टाइल्स में लॉकिंग का सिस्टम वगैरह करके एंड देन वी कैन पुट दैट मिट्टी की टाइल्स। ओके सर, राइट। तो इस तरीके से हमें चीजें करना होंगी। राइट सर। तो अब आप और जो है ना जो कोई अधिक और टाइम पे आएगा तो फिर मैं ऐसा फोन एंटरटेन कर नहीं पाऊंगा, तो मुझे पहले से मालूम होना चाहिए कि आप हमें फोन करने वाले हैं और हम उसके लिए भी तैयार रहेंगे मेंटली। यस यस सर, ठीक है ना। और हम कोशिश करेंगे कि हम वीडियो लिंक के तहत बात करें और वो लिंक रिकॉर्डेड होगी और तत्काल हम उसको क्रांति भारत पर भी चला देंगे। यस सर। उससे क्या होगा कि उस वार्तालाप को जो दूसरे लोग सुनेंगे वो हो सकता है कि उन्हें आपको अप्रोच ना करना पड़े, वो आपको अप्रोच करें। चलो तो मैं वो स्टल लेके मोबाइल लेके और बाकी जो भी जोड़ के आपको लाइव करवाऊंगा। हाँ, 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 हाँ। और आप एक कोशिश भी करो कि वहाँ लोग वहाँ पे जो है वो ऑप्टिकल फाइबर पहुंच गया है कि नहीं पहुंच गया है, नहीं तो एक आध किसान को तैयार करो कि वो ऑप्टिकल फाइबर का लेना बहुत सस्ता रहता है, कोई बहुत महंगा तो है नहीं, ठीक है ना जी सर। तो यदि वहाँ ऑप्टिकल फाइबर पहुंच गया है तो एक कम से कम एक किसान ऑप्टिकल फाइबर का लाइन ले ले, तो क्या होगा कि वहां से जब आप बात करोगे तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी रहेगी। जी सर, जी सर, ठीक है ना, क्योंकि हमें ये सब कैपेसिटी गांव में ही पैदा करना है सर। ऐसा कि अभी नया नया प्रोजेक्ट प्लान किया ना तो धीरे धीरे एकदम समझ में आएगा, आप ही एक्टिव हो पाऊंगा ना एकदम इस लाइन के अंदर। हाँ हाँ, नहीं नहीं ठीक है, नहीं नहीं देखिए आप ऑलरेडी एक्टिव हैं, आपने जो है देखिए आप चल के खुद आए वहां से, आपने बात को समझा, आपने आपने अपने खुद के वीडियो देखे कि नहीं देखे? हाँ देखे, सब देखे। कैसा लगा आपको? लगा बहुत अच्छा फील हुआ सर, है ना। तो वो आप जिनको जिनके पास जा रहे हो उनको पहले अपने वीडियो दे दो ना, तो वो कम सुन लेंगे उसको पहले। दे दिए मैंने सर, दे दिए कई लोगों को दे दिए। हाँ, तो जहाँ जहाँ जिनसे बात करने के पहले एक दो घंटे पहले उनको वीडियो दे दो, उनसे कह लो भैया पहले तुम इनको देख लो, ठीक है ना सर। 20 तारीख के बाद अगर आप पर टाइम हो ग्वालियर आने का, 20 के बाद आपका टाइम है तो देखो देखो मैंने तो अपनी जिंदगी इसके लिए समर्पित कर दी है। नहीं सर, आप तो काफी प्लान रहते ना कहीं कहीं जाना, कई लोगों का पूरा भारत देख रहे हैं। तो मैं आपके लिए ब्लॉग कर दूंगा ना, आप तैयारी कर लो, सोच लो अभी आप जी। आप तो मैं एक बार सोच लो कि आप ओनली किसान ही किसान होंगे, खेत के बाकी कोई काम के तो ओनली किसान होंगे, 100-200 किसान इकट्ठे करके उनके बीच में थोड़ा सा आपका एक प्रोग्राम होना चाहता हूँ। मैंने बात भी की थी तो मेरे पास ज्यादा नहीं, यहाँ पे अच्छा है ग्वालियर में मेरे मित्रों का। तो आप उसमें लोकेशन ऐसी तय करो कि जहाँ पे कि ऑप्टिकल कनेक्टिविटी भी हो, ठीक है ना। हाँ
देखूंगा तो, और वहां से अपन क्या करेंगे कि फ्यूचर से दैट विल बिकम ए फ्यूचर मीटिंग पॉइंट जी। और ऐसी मीटिंग अपन जो है कोशिश करेंगे कि कम से कम 3 महीने में एक बार हो वहाँ रिपीट, केवल एक बार की। वाईफाई सिस्टम लेट आते हैं तो ऑप्टिकल प्रॉब्लम आ जाएगी ऑटोमेटिकली सर। क्या हो गया? वाईफाई सिस्टम लगवा देंगे जब आप प्रोग्राम करेंगे। हाँ। सर क्या रहेगा कि हम उस वाईफाई से कनेक्ट हो जाएंगे तो वो रियल टाइम बेसिस पे अपलोडिंग उसकी चालू हो जाएगी। मेरे घर में वाईफाई है सर, मैंने वाईफाई लगा रखा है। नहीं लेकिन अपन तो किसानों के एरिया में होंगे तो वो आपका घर कोशिश करूंगा और राजा बिहार घर को घर पर लगवाऊंगा, आपको समझाऊंगा कि जी आप कलेक्ट आपकी कराइए, ऐसे कॉन्टेक्ट रहेगा तो आपके नेट फॉर्म में जाएगी, हमारे कॉन्टेक्ट आपको संभाले देंगे। बिल्कुल। तो उनको ये लगता है कि इसका क्या फायदा है, जब एक बार उनको महसूस रहेगा नहीं इसके बहुत फायदे हैं तो फिर वो लेंगे उसको। मैं अभी जो सोचा कि पंडित जी आपको क्या समझ, बहुत बड़ी जागृत मिल रही है, जागृत मिल रही, हम आपको भविष्य की बात कर रहे हैं आप लोगों ने कहा हम तो देश को बदल देंगे, कहाँ चक्कर में पड़े हुए हैं। देश को बदल देंगे हमने कहा था, कल सवेरे से निकला था 11 बजे से और रात को लौटाऊं 10 बजे 10:30। ओ ग्रेट 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 सर। ओ मैं तो वर्किंग अब फिर वीडियो बताऊंगा आपको डाल के, मैं ऐसे काम करता नहीं सर, तो करता नहीं और सर आता वीडियो ले लिया अगर मैं तो आप भी जो बातचीत करते हैं ना उसका वीडियो क्रिएट करने का सिस्टम करो, ठीक है ना? जी। तो आपको यदि उसका पकड़ने का जो है ना वो नहीं हो इक्विपमेंट तो बहुत सस्ते आते हैं, उनको आप अमेजन से खरीद लीजिए। जी सर। तो जिससे क्या है कि आपने अपना कैमरे को फिक्स कर दिया और आपकी बातचीत रिकॉर्ड हो रही है। जी तो वो करना फायदेमंद हो। तो वो वीडियो बना के सर आपके मोबाइल पर वापस भेजो। हाँ हाँ तो उससे क्या रहेगा ना, आप हमें वो वीडियो भेजेंगे तो हम उसे अपने क्राइमफ्री भारत पे भी अपलोड कर देंगे, राइट? फिर क्या रहेगा कि आप लिंक उसको जिसको चाहोगे उसको भेज सकोगे जी। और फिर वो लिंक क्राइम फ्री भारत की कहलाएगी, अभी आपका पर्सनल वीडियो कहलाएगा। सर मैं बताऊँ आपको, मैं कुछ बहुत कुछ करने की इच्छा है मन में मेरी, मन जागृत हुआ है आपके विचारों से मिलके और देश को, और मुझे कुछ करने का जज्बा पैदा हुआ है आपसे मिलके, बिल्कुल हल्के से सपोर्ट मिला तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ, भारत को भी इस तरह से मतलब आपके मिशन को भी छोटा सा ज्यादा नहीं लेकिन बहुत समय बताया सर मैं क्या क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता। जरूर आपका सपोर्ट रहा, सहयोग रहा सर, तो मैं आपके साथ मिल गया। देखो एक चीज मैं आपको बताऊं कि हम और आप सिर्फ माध्यम हैं जी सर, ये काम तो कोई कॉस्मिक एनर्जी करा रही है, तो अपना दिल आप बड़ा रखो कि आपके साथ पूरी कॉस्मिक शक्ति लगी हुई है, आप अपने आप को ना कभी अकेला पाएंगे ना ही अपने आप को कमजोर पाएंगे। जी सर आप कमजोर है ही नहीं, जिसके साथ कॉस्मिक शक्ति हो वो कमजोर कैसे हो सकता है? जी सर है कि नहीं? चलो जय हिंद जय भारत। जी सर नमस्कार।